ये देखिए पहाड़ी रास्ते, कठिन रास्ते, कठिन डगर। एक बंधु और बैठे हुए हैं, उनको ले करके हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखिए लुक, ये देखिए यहाँ की सीढ़ी है, ऊबड़ खाबड़, टूटी फूटी, थोड़ा बहुत बना हुआ है, यही बस घाट उतरने के लिए। किसी श्रद्धालु के मन में श्रद्धा जागी तो ये इतना निर्माण करवा दिया। आगे इसके बाद रास्ते बहुत ही दुष्कर हैं, बहुत ही दुष्कर हैं। साइकिल, पैदल, मोटरसाइकिल से ही यहाँ आया जा सकता है, वो भी जगह जगह आपको उतरना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए हम लोग मंदिर पर आए हुए हैं और यहाँ के महंत जी हम लोगों को मिल गए हैं, जो इस मंदिर की महत्ता के बारे में और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं सारी जानकारी देंगे। हाँ सर बताइए। माता की धरोहरा प्रसिद्ध है शीतला देवी, और जंगल 3 किलोमीटर पड़ला, यहाँ आवाज बड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि आवाज जाला भाई किसी प्रकार से यहाँ जौन बा महत्व बहुत पूर्ण बा। दादाजी इसके बारे में, इसके बारे में कितने लूले आदमी बच्चे जो छोटे होते हैं अब गोड़ कर आप ही वो यहाँ आके मनौती है तो भगवान प्रसिद्ध करते हैं। मनसा जो मन से मानता है उसका जरूर मनसा पूरा होता है। अच्छा दादा जी, ये जो मंदिर है, मूर्ति है, ये जो है प्राकृतिक रूप से बनी हुई है या जो है कि? नहीं बाबू, ये कोई नहीं बनाया, उसमें हाथ नहीं जाता था। अच्छा, जैसे झटक को पानी में नहीं लोग चढ़ाते थे, गिलास वो छोटी सी जाती है जी। हेलो, आप तो माता जी के दिन के न कोई फोरा न कोई तोड़ा न कोई कुछ किया, आपे आप जगह होटल मतलब लोटा चल जाए। दादाजी यहाँ तो दर्शनार्थी बहुत कम आते होंगे कि आते हैं किसी विशेष में? आते हैं बीच बीच में बाबू, लोग जंगल की वजह से लोग साधन की वजह से नहीं जी पाते। रास्ता देख रहे हैं कि काफी जो है कि सही रास्ता है, पथरीली रास्ता भी है, नहीं चुका है, गरीब आदमी बनवा नहीं पाएगा। हम लोग आपस में कुछ चलते चंदा लगाए थे, यही बनवाए थे। तो आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ देवी मंदिर है तो नवरात्र के दिनों में तो थोड़ा यहाँ ज्यादा चहल पहल होती रहती है? हाँ, जरूर कुछ रहा है। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम दलजीत। दलजीत जी हैं यहाँ के पुजारी, जो कि यहाँ की महत्ता के बारे में हमको जानकारी दिए। यह मंदिर बहुत ही दुर्लभ रास्ता है, यहाँ पैदल ही आया जा सकता है। यहाँ देखिए चढ़ाने के लिए आपको नारियल भी उपलब्ध है, माँ को चढ़ाने के लिए सिंदूर, नारियल, अड़हुल का फूल, कनेर का फूल, रक्षा, और यहाँ लोग बहुत कठिनाई से आकर के सामान लेके आते हैं और यहाँ दर्शनार्थियों को या श्रद्धालुओं को चढ़ाने के लिए, माता को चढ़ाने के लिए उपलब्ध कराते हैं, बड़ी मेहनत का काम करते हैं। सरकार को या वन विभाग को जिसका भी इस एरिया में क्षेत्र पड़ता है, गुजारिश यही है कि ये इस रास्ते को थोड़ा थोड़ा सुधारवा दें, सुरक्षित करा दें, तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि नवरात्र के दिनों में दर्शनार्थियों की अपार संख्या, अपार भीड़ बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कुदरत का बनाया हुआ खूबसूरत मंदिर जो उनकी कलाकारी से भरा पड़ा है, और झरना भी इतने खूबसूरत हैं कि जिसको देख करके मन मुग्ध हो जाएगा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा यहीं ठहर जाएं इन वादियों में थोड़े समय के लिए, इस सुकून भरी ज़िंदगी को बिताने के लिए। आगे ये महंत जी आए हुए हैं, एक श्रद्धालु देखिए प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ले करके अब माता का दर्शन। हाँ माता जी, ये बताइए कि यहाँ श्रद्धालु का किस दिन ज़्यादा भीड़ होता है? सोमवार। सोमवार के दिन लोग ज़्यादा आते हैं।
यहाँ कौन कौन से ज्यादा आते हैं? यहाँ क्या क्या करते हैं? यहाँ झालर झालर उतारते हैं। हाँ अच्छा, मुंडन को होता है, झालर उतारते हैं। कथा भी होता है, अच्छा, मन्नत पूरी होने पर कथा भी लोग सुनते हैं। नवमी दसवीं के सब यहाँ पर ज्यादा भीड़ लगती है। नवमी और दसवीं, इसका मतलब यह होता है कि मतलब कि यहाँ नवरात्र में काफी भीड़ रहती है, और ऐसे जो है सोमवार के दिन लोग जो है ज्यादा आते हैं। आपको सारा सारो सामान उस खांची में भर करके एज ए पैदल लेकर आना पड़ता होगा, बड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि वहाँ से दो ढाई किलोमीटर बा। रोड नहीं सही बाई से पत्थर फुलावा। रोड रहता तो और ज्यादा सामान आ जाता, और ज्यादा सुविधा हो जाता दर्शक भी आने में। फोर व्हीलर तो आई नहीं सकता, चार पहिया, हाँ, केवल साइकिल आएगा, दो पहिया आएगा, पैदल लोग आएंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद माता जी। ये देखिए झरने का लुक, ये देखिए पानी का, ये देखिए इधर का नजारा, हम लोग झरने के एकदम नीचे तल पर आ गए हैं, और नीचे तल से ये देखिए वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष लगा हुआ है, इधर ये गुलर लगा हुआ है, गुलर का फल देख लीजिए, गुलर लगा हुआ है। यहाँ पर लंगूर और बंदर की प्रजाति दिखाई दे रही है, जो इन्हीं फलों को खा करके अपना जीवन यापन करती है। ये पानी बेलन नदी में चला जाता है, इधर आता है मिसरिया बंधा से, ये देखिए। ये देखिए एक बार और झरने की खूबसूरती को निहारते निखारते बैठ करके प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार करते हुए सुबह के 9:30 बजे हुए होंगे, हम लोग इस झरने के पास पहुँचे हैं। यह पानी बेलन नदी में चला जाता है। इसके बाहर का वातावरण देखिए, ये देखिए चारों तरफ का वातावरण देखिए, ये देखिए पहाड़ियों का लुक देखिए, कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया झरना है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया झरना है। इसके आवाज़ को सुनिए, आवाज़ से आप मोहित हो जाएंगे, आवाज़ इतनी तेज़ है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। पत्थरों पर गिरते ये जलधारा सुगम मधुर संगीत सुना रहे हैं, या जल तांडव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
ये झरने के ऊपर का लुक, ये देखिए पूरा सघन घना जंगल। पूरा इसका घाटी का लुक देखिए, झरने का ऊपरी भाग। अभी नीचे से हम लोग आए हैं,